हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 4 हमारा चल रहा है। टॉपिक का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म है कर्व्स। कर्व्स का क्या मतलब होता है कि जैसे ये देख रहे हैं, ये कर्व है, ये पूरा चारों तरफ कर्व चल रहा है, ये भी ऐसे कर्व चल रहे हैं, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये सारे हमारे कर्व इज ए शेप और ए लाइन विच इज स्मूथली ड्रॉन इन ए प्लेन हैविंग ए बेंड और टर्न्स इन इट। इनको हम कर्व कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए सर्कल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कर्व्ड शेप्स। जितने भी कर्व होंगे बेसिकली क्या है कि बस एक शेप होनी चाहिए या एक लाइन होनी चाहिए जो हम स्मूथली ड्रॉन करना है। चाहे तो ऐसे मान लीजिए ये कर्व है, या ऐसे मान लीजिए ये भी कर्व है, या फिर ऐसे ले लीजिए ये भी कर्व है। ये सब कर्व के शेप में आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ कर्व कि कर्व कितने टाइप के होते हैं। देखिए, तो बेसिकली जो कर्व है उसमें सबसे पहला हमारे पास है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का क्या मतलब है? ए कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड ए सिंपल कर्व। यानी अगर कोई कर्व ऐसा है जो खुद को वापस से क्रॉस नहीं कर रहा है, जैसे ये ऐसे चले घूम फिर के यहाँ रोक दो, चाहे आप ऐसे ऐसे करके यहाँ रोक दो, ये सब सिंपल कर्व है। लेकिन अगर वो क्रॉस कर जाएगा, मान लो ऐसे करके वो ऐसे निकल रहा है, तो दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व। ये सिंपल कर्व नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये सिंपल कर्व के हैं। तो सिंपल कर्व के अंदर भी दो कैटेगरी आती है। पहला आता है ओपन कर्व, सेकेंड आता है क्लोज कर्व। ओपन कर्व का क्या मतलब है कि जैसे ये चला और ये यहां से ओपन रह गया, इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व। जैसे ये है, ये चला चला चला, यहाँ पे ये दोनों कनेक्ट नहीं हुए। ओपनिंग और एंडिंग पॉइंट अगर टच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो ओपन कर्व है। और क्लोज कर्व का क्या मतलब है? ऐसा फिगर जो क्लोज हो जाए, जैसे ये चल रहा है, देखो इसका कहीं भी आपको स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं दिख रहा। ये वाला, ये आपने कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया, नहीं पता चल रहा। ये हो गया क्लोज कर्व, ये हो गया ओपन कर्व। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ कर्व में पहला टाइप हमने पढ़ा है सिंपल कर्व, यानी ऐसा कर्व जो खुद को क्रॉस नहीं करेगा वापस से, वो सिंपल कर्व है। और सिंपल कर्व में भी दो कैटेगरी है, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ओपन कर्व मतलब जो ओपन रह जाएगा, क्लोज कर्व मतलब जो क्लोज हो जाएगा। यहां तक ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट है पोजीशन इन फिगर, कि फिगर के अंदर आपकी कहां पोजीशन है उसकी बात करेंगे। इन ए क्लोज्ड कर्व देयर आर थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट क्या है? इंटीरियर पार्ट, यानी कर्व का जो इंटीरियर यानी जो इनसाइड पार्ट है उसको हम बोलेंगे इंटीरियर पार्ट ऑफ द कर्व। जैसे ये एक हमारा डायग्राम है, इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा? ये जो शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, यानी कर्व के अंदर। ये जो कर्व का जो डायग्राम बना, इसके अंदर जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे इंटीरियर और इनसाइड ऑफ द कर्व। सेकंड पार्ट आता है बाउंड्री ऑफ द कर्व। बाउंड्री का क्या मतलब हो गया? ये जो चीज है, इस बाउंड्री के ऊपर कोई चीज है, उसको हम बाउंड्री ऑफ द कर्व कहेंगे। जैसे ए की पोजीशन की बात करें तो ए कहां पे है? इनसाइड द कर्व। और बी की पोजीशन की बात करें तो बी कहां पे है? ऑन द बाउंड्री ऑफ द कर्व। ये बाउंड्री पे है, ये इनसाइड है। थर्ड है एक्सटीरियर और आउटसाइड ऑफ द कर्व। तो जैसे इस कर्व के बाहर कोई भी पॉइंट है तो उसको हम बोलेंगे आउटसाइड। तो जल्दी से बताइए एक्सटीरियर सी कहां पे है? सी कर्व के एक्सटीरियर या आउटसाइड में। तो तीन पोजीशन होंगी, पहला इंटीरियर, दूसरा बाउंड्री और तीसरा एक्सटीरियर। इनसाइड आउटसाइड भी बोल सकते हैं आप इनको, पर प्रॉपर वर्ड है इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। क्लियर? चलिए, द इंटीरियर ऑफ ए कर्व टूगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन। यानी इंटीरियर प्लस बाउंड्री दोनों मिला लें तो उसको हम क्या बोलेंगे? रीजन बोलेंगे, कि ये इसका रीजन है। क्लियर? टर्म्स क्लियर हो गई सारी? देखिए, इंटीरियर मतलब अंदर, बाउंड्री मतलब ऑन द बाउंड्री, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। और इंटीरियर प्लस बाउंड्री को मिला के अगर हम बोलें तो उसको हम बोलेंगे रीजन। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हमारी हेडिंग है पॉलीगन्स। देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, समझिए इस चीज को। जैसे ये शेप देखिए आपने, ये शेप देखी, ये शेप देखी, इस शेप को देखिए, फिर फोर्थ नंबर देखिए, फिफ्थ नंबर देखिए और सिक्स्थ नंबर देखिए। छह के छह डायग्राम आपने देखे। देखिए डायग्राम नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 आर स्पेशल। 1, 2, 3, 4 और 6 जो है ये स्पेशल है। क्यों स्पेशल है बताओ? 1, 2, 3, 4, 6 में ऐसा क्या है जो 5th में नहीं है?
तो आपको देख के पता चलेगा कि इन सब में ये स्ट्रेट लाइन है, देखो सब स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, लेकिन यहां पे ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यानी फिफ्थ इकलौता ऐसा डायग्राम है जिसमें कर्व है, बाकी सब में सारी की सारी स्ट्रेट लाइन से। तो आउट ऑफ दीज 1, 2, 3 and 6 आर ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व्स, 1, 2, 3 and 4 आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। देखिए 1, 2, 3, 4 को देखिए सिंपल क्लोज्ड है, लेकिन 6 नंबर को देखोगे तो ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं हुआ। क्लियर? चलिए, दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स, सो ए फिगर इज ए पॉलीगन। पॉलीगन हम किसको कहेंगे, एक ऐसा फिगर इफ इट इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। तो ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, इन दोनों को हम पॉलीगन नहीं बोलेंगे। क्लियर? सिंपल क्लोज्ड होना चाहिए, ये सिंपल वाला नहीं है इसलिए नहीं है, और यहां पे कर्व आ गया इसलिए ये भी नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए अब बात कर रहे हैं हम साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगनल्स, क्या क्या नाम है ये समझिए। देखिए पहले इस डायग्राम को देखिए, ये ए बी सी डी ई करके एक कितनी साइड है इसके अंदर, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो साइड्स है देखिए, ये इसकी साइड है, ए बी साइड है, ये बी सी साइड है, ये सी डी साइड है, ये डी ई साइड है और ये ई ए साइड है। तो कितनी साइड दिख रही है आपको इसको, 1, 2, 3, 4, 5। तो साइड्स क्या हो गई, जो इनको मिला रही है, जो सेगमेंट हम लाइन सेगमेंट यूज कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे साइड। सेकेंड टर्म है वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन कौन सी है, ये जो डॉट्स हैं देखिए, ये वाला डॉट हो गया, ये वाला डॉट, इनको हम किनारे भी कह सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्या हो गए हमारे, वर्टेक्स हो गए, प्लूरल में इसको बोलते हैं वर्टिसेस। तो ए बी सी डी ई ये जो पॉइंट्स है ये हमारे क्या हो गए, वर्टिसेस हो गए। नेक्स्ट टर्म आती है डायगनल, डायगनल का क्या मतलब है, डायगनल का मतलब है कि ये जो ई पॉइंट है ये अपने पास वाले दो को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, उसके अलावा ये बाकी किसी से भी मिलेगा तो उसको हम डायगनल बोलेंगे। जैसे देखो ई अगर सी से मिलेगा तो ये डायगनल है, इससे मिलेगा तो ये डायगनल है, ऐसे ही ए अगर पास में एक है, कौन है, ई और बी, इनको छोड़ दो, ये डायगनल है, ये डायगनल है, फिर बी की बात करो ये डायगनल है, ये डायगनल है, सी की बात करो दोनों आ गया, डी की बात करो दोनों आ गया, तो ये सब इसके डायगनल्स है। कितनी डायगनल्स आई, 1, 2, 3, 4 and 5 देख लीजिए, और एक और रह गया ई, एक सेकेंड, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है। तो टोटल कितने डायगनल्स बने यहाँ पे, 5 डायगनल्स बन गए। तो लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए पॉलीगन उनको साइड बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट जो होगा उसको वर्टेक्स बोलेंगे, और एनी टू साइड्स विद ए कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। ये एक नई टर्म है, देखिए एडजेसेंट साइड का क्या मतलब है, ऐसी दो साइड जिनका एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, ये जो दोनों साइड है ED और EA, दोनों में कॉमन क्या आ गया, देखो ED और EA दोनों में E कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो गई, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हो गई, क्या हो गई, ये एडजेसेंट साइड्स, ED एंड EA। क्लियर? आगे चलते हैं, फिर टर्म आती है एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस का क्या मतलब, पास पास वाले जो वर्टेक्स है, जैसे ई और डी वर्टेक्स जो है ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये दोनों भी एडजेसेंट, ये हो गए एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट है कंसिडर द पेयर ऑफ वर्टिसेस विच आर नॉट एडजेसेंट, द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टिसेस आर कॉल्ड द डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। यानी ऐसी, मैंने क्या कहा, ई के पास वाली दोनों को छोड़ के बाकी किसी को भी मैच कराएंगे तो वो डायगनल का काम करेगा, यानी एडजेसेंट वर्टिसेस के अलावा कहीं पे भी हम मिलाएंगे तो वो क्या काम करेगा, डायगनल का काम करेगा, उनको हम बोलेंगे डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो सारी टर्म्स क्लियर हो गई, साइड का मतलब बता दिया, वर्टेक्स जो है वो बता दिया, और डायगनल्स बता दिया, एडजेसेंट साइड बता दिया, एडजेसेंट वर्टिसेस बता दिया, सारी टर्म्स क्लियर है, चल सकते हैं आगे। चलिए
चलिए यहां हमारी शुरू होती है एक्सरसाइज 4.2। पहला क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन और क्लोज। हमें बताना है कि ये जो कर्व है ओपन है या क्लोज है, जल्दी से बताओ। पहला डायग्राम आपके सामने, ये आपको ओपन दिख रहा है या क्लोज दिख रहा है? ये क्या है? ओपन। ये क्या है? देखो कहीं भी इसमें ओपन दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? क्लोज। ये बताइए, देखिए यहां से ओपन रह गया, क्या हो गया? ये ओपन। ये बताइए क्लोज, और ये बताइए क्लोज। तो क्लियर कट दिख रहा है आपको कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज है? ये ओपन है, ये ओपन है, बाकी तीनों क्या है? हमारे क्लोज कर्व्स। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी था। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग। हमें कुछ डायग्राम बनाने। पहला है ओपन कर्व। ओपन कर्व बनाना है तो हम क्या करेंगे? ऐसे छोड़ दीजिए, ये ओपन हो गया, या फिर ऐसे करके छोड़ दीजिए, ये भी ओपन हो गया। तो ओपन तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्लोज वाला बताता हूं। देखिए सेकंड है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व की बात करें तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे बता दीजिए, ये सब क्या हो गए? क्लोज। ये ओपन हो गए, ये क्लोज कर्व हो गए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर। कोई भी एक पॉलीगन बनाना है और उसके इंटीरियर को क्या करना है? शेड करना है। चलिए देखिए एक पॉलीगन बनाते हैं आपके लिए। मान लीजिए मैंने ऐसा पॉलीगन बनाया, ये कोई पॉलीगन बनाया, इसको शेड करना है। तो लीजिए ये मैंने इसको क्या कर दिया? शेड कर दिया। ऐसे आप शेड करके दिखा सकते हैं, ठीक है। और एक पॉलीगन बनाना है तो देखो मैंने ऐसा पॉलीगन बना दिया, पर क्या इसको मैं पॉलीगन कहूंगा क्या? इसने टर्म यूज किया पॉलीगन, क्या ये पॉलीगन है क्या? नहीं है, इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पॉलीगन में क्या स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यहां तो सारे कर्व यूज कर दिए। तो ऐसा डायग्राम नहीं, ऐसा आप कुछ भी बना लीजिए। देखिए मैंने ऐसा बना दिया, एक झोंपड़ी बना देते हैं। ये लीजिए, ये हमारा पॉलीगन है, इसको आप शेड कीजिए। ये लीजिए, इसका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जैसा आपका मन हो। लेकिन ये कर्व वाला नहीं बनाना, इसको हम पॉलीगन नहीं कहेंगे। इसलिए टर्म ध्यान रखना, यहाँ पे क्या टर्म यूज हुई है? यहाँ पॉलीगन वर्ड यूज किया। तो पॉलीगन ही बनाना है, स्ट्रेट लाइंस यूज करनी है। आप कितना भी मर्जी ऐसे 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 कुछ भी बना लीजिए, ये सब पॉलीगन है, कर्व नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। इस फिगर को देखिए, इसको मैं अच्छे से बना रहा हूं। देखिए यहाँ पे आपके लिए ये कुछ ऐसा स्टार्स बना रखे हैं, ऐसा स्टार जैसा डायग्राम है ये। क्या कह रहा है? इज इट ए कर्व? क्या ये कर्व है? बिल्कुल कर्व है। हमने पढ़ा था सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व, दो टाइप के कर्व होते हैं। सॉरी, सिंपल के अंदर ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, दो टाइप के कर्व होते हैं। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या थी? कि कर्व क्या होगा, कोई भी बैंड आ रहा है उसको हम कर्व कहते हैं। तो क्या ये कर्व है? हम लिखेंगे यस। सेकंड चीज, क्या ये क्लोज है? हम लिखेंगे यस। तो ये कर्व भी है और ये क्लोज भी है। देखिए लाइन सेगमेंट्स है, हालांकि इसके अंदर वैसा वाला कर्व नहीं है, लेकिन इन सबको हम कर्व ही कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद ए रफ डायग्राम। हमें रफ डायग्राम के साथ इनको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन, ए क्लोज कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन। हमें एक क्लोज कर्व बनाना है लेकिन वो पॉलीगन नहीं होना चाहिए। पॉलीगन होने के लिए कैसी लाइनें चाहिए? स्ट्रेट लाइन चाहिए। हम स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं करेंगे। ये लो, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, दूसरी स्ट्रेट लाइन ले ली और इसको ऐसे घुमा के बना दिया और ये क्लोज भी कर दिया। अब ये पॉलीगन नहीं है लेकिन ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। ये क्लोज्ड कर्व है लेकिन पॉलीगन नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का यूज करना है और ओपन भी रखना है। तो देखिए मैंने लाइन सेगमेंट ली, लाइन सेगमेंट ली, लाइन सेगमेंट ली, लाइन सेगमेंट ली और इसको ओपन भी छोड़ दिया। ये क्या कह रहा है? ओपन कर्व
तो ओपन है, और किससे बना होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से, तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। क्लियर, बहुत सिंपल था ये भी। तीसरा क्वेश्चन, ए पॉलीगन विद टू साइड्स। वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है पॉलीगन होना चाहिए जो दो साइड से मिलके बने। अब एक चीज बताओ, ये एक साइड बना दी, अब दूसरी साइड कहां बनाऊं, ये तो खुला रह जाएगा, कहीं भी बनाओगे दूसरी साइड तो ये ओपन रह जाएगा, क्लोज हो सकता है क्या? तो पॉलीगन विद टू साइड्स हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, दो साइड से हम पॉलीगन बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पॉलीगन होने के लिए क्या चाहिए, क्लोज होना चाहिए, और दो, मान लो आपको मैं दो लाइन सेगमेंट देता हूं, इनसे आप क्लोज फिगर बना के दिखा दो, कभी बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये क्या डायग्राम, नॉट पॉसिबल। तो कैसी लगी आपको एक्सरसाइज, कमेंट्स में जरूर बताना। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।